बाद बीजेपी में रहते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कभी पार्टी का साथ नहीं दिया, ये कहना है कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। हमारे संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत में वीरेंद्र सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कृषि मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम मंत्रियों विधायकों के साथ सोमवार की देर रात को बैठक की है। इस बैठक में क्या रणनीति बनी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रदेश में चल रहा है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। कल रात को एक बड़ी बैठक हुई है सर, लंबी चर्चा हुई है, क्या किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? वैसे तो रूटीन बैठक थी और शुरू से ही मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ विधायकों के साथ बातचीत करते हैं, ऐसा तो नहीं पहली बार किया। लेकिन इकट्ठे बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव चल रहा है चुनाव की बात भी चलेगी, तो निश्चित तौर से चुनाव के बारे में भी बातचीत की है मुख्यमंत्री जी ने। और एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हर हल्के में हर विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम, यानी कि बड़ी जनसभा हम कर रहे हैं, और जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों उसमें पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं उसमें भाग ले रहे हैं। तो उसका भी एक विषय था कि भाई कुछ हल्के जहाँ नहीं हुई अभी तक, उनका भी दिन था। तो 5 मई तक हमारा टारगेट है कि भाई 5 मई तक सारे के सारे हलकों में ये जनसभाएं आयोजित कर देंगे, और उसके बाद जो हमारी बड़ी लीडरशिप है, केंद्र की लीडरशिप है, अगर उसके कोई प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम मिलेंगे उसके बाद वो बड़े प्रोग्राम करेंगे। सर, अभी जो बैठक हुई है इसमें क्या इस पर चर्चा हुई कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो कई जगह विरोध की तस्वीर सामने आ रही है, कई जगह पर विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा विरोध कहीं नहीं है अभी तक जी। हाँ, कुछ जगह डिस्टर्बेंस हुई है निश्चित तौर से, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि गलत है वो जी। क्योंकि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको, सब लोग अपनी बात कहेंगे, तो मैं समझता हूँ हमें भी अपनी बात कहेंगे। अगर किसी को लगता है कि जो हमारी बात से सहमत नहीं है, उसको किसी बात पर एतराज है, तो वो अपनी बात कह सकता है, कौन रोकता है उसको अपनी बात कहने से, वो भी अपनी बात कहें। अगर 1000 आदमी बैठे हैं बात सुनने के लिए, 4 आदमी ये बात कहें, उसको डिस्टर्ब करें, तो मैं समझता हूँ गलत है, और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि सब लोगों को चाहिए, अगर किसी को लगता है कि कोई मेरी बात से सहमत नहीं है, तो वो अपनी बात तर्क संगत तरीके से रखे, और जिस पार्टी के साथ भी वो जिसके पक्ष में उसके पक्ष में अपनी बात कहे जी। तो लेकिन किसी भी पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है ये किसी को नहीं करना चाहिए, और ये प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है जी। सर, 10 सीटें आप 2019 में जीते थे लोकसभा की, अब 2024 का जो चुनाव है वो हरियाणा में 6ठे चरण में है, प्रचार आप कर रहे हैं, क्या इस बार इतिहास 2019 का उसको दोहरा पाएंगे? चूंकि लगातार ये बातें सामने आ रही है कि उम्मीदवार जो है वो दूसरी पार्टियों से लेकर खड़े करने पड़ रहे हैं, नवीन जिंदल की बात हो रही है या रणजीत सिंह चौटाला की बात हो रही है, तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इस बीच इतिहास दोहरा पाएंगे 2019 का? देखिए, अब की बार पिछली बार से भी अच्छा माहौल है, और उसका कारण एक आपको स्पष्ट नजर आ रहा कि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी, और जिनको वो उम्मीदवार बनाना चाहती है वो सबके सब जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब घबराहट है उसमें, वो लोग चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट मिल रहा है, जनता में जो है जो काम चाहे केंद्र सरकार ने किए चाहे प्रदेश सरकार ने किए, जनता उससे खुश है, और जनता बड़ा जो है वो मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देगी। सर, आप कह रहे हैं माहौल पिछली बार से ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपके पार्टी के एक सांसद जो है वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, आज उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी माँ प्रेमलता जो विधायक थी पूर्व में, वो कांग्रेस में ज्वाइन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि किसान की आवाज नहीं सुनी जा रही थी, हम वहां पर अपनी बात को नहीं उठा पा रहे थे, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए, आज पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस। मैं तो बेहद खुश हूँ इससे, और मैं तो इंतजार कर रहा था कब वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया, जिस मान सम्मान के लिए वो कांग्रेस में पूरा जीवन रह के तरसते रहे ना, वो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुश्किल की घड़ी आई, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आए, और मैंने ये बात कोई मैं आपके आज नहीं कह रहा, मैंने उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उस टाइम कही थी मैंने बात ये, और मैंने उस टाइम जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे धनखड़ जी, मैंने उस टाइम उनके साथ भी बात कही थी कि इनका व्यवहार जो है वो जिस प्रकार का महत्व हम दे रहे हैं उस प्रकार का व्यवहार इनका है नहीं, ये अपने आप को पार्टी का जिस प्रकार से कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने कभी किया नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो दोबारा से अपने परिवार में खुश रहें, वहाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। सर, आपके पुराने जो सहयोगी जो लगातार 4.5 साल सत्ता में रहे, उनकी पार्टी में भी एक भगदड़ मची हुई है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई
पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी, जननायक जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ सर, क्या वजह मानते हैं सर आप इस तरीके से पार्टी टूटने की? देखिए, उनकी अपनी पार्टी का मामला है, और जिस प्रकार की कुछ परिस्थितियाँ होती है कई बार राजनीति में जिस प्रकार की, तो उसमें कुछ लोग इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, होता है, अलग अलग हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें ज़्यादा होती है इस प्रकार की घटनाएं, तो वही इसी प्रकार की घटना है। तो आप ये मानते हैं सर बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है 2019 में हरियाणा की 10 सीटों पर? देखिए, आज की तारीख में कोई चुनौती नजर नहीं आ रही, और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसमें अपने आप ही एक घबराहट है, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए जब लोग तैयार नहीं होंगे तो जीतने के लिए तो बात छोड़ दो आप। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया है। खासतौर पर उनका यह कहना है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो अभी तक अपने उम्मीदवार जो वो तय नहीं कर पाई है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं है। और पिछली बार यानी 2019 में जो माहौल था उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल इस बार 2024 में बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।